खबर इस वक्त सबसे बड़ी लखनऊ से मिल रही है, जहां पर यूपी पुलिस के अधिकारी सम्मानित हुए हैं। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर एनुअल स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। डीजीपी ओपी सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर यूपी पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर यूपी पुलिस के कई अधिकारी सम्मानित हुए हैं। तो एनुअल स्टेट अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2019 जिससे सम्मानित किया गया है, को भी सम्मानित किया गया है। किस तरह से देखते हैं सर आज के कार्यक्रम को? सर थैंक यू। देखिए आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, इसमें आदरणीय गवर्नर महोदया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और हम सबको यहाँ पर शपथ दिलाई है, जिसमें कि ये राष्ट्र एक पर्व के रूप में मतदान रहता है। सबको भारी से भारी संख्या में मतदान करना चाहिए, निर्भीक होकर करना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के आना चाहिए। कई तथ्य आज अवगत कराए हैं और जिन लोगों ने विगत आम चुनाव में उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। और आज एक बहुत ही संकल्प का दिवस है, मैं आप सबको इस शुभ दिवस अवसर पर बधाई देता हूँ। जय हिंद। सर लगता कहीं ना कहीं से इस सम्मान से ऐसे पुलिसकर्मियों को सर ये कह सकते हैं कि बल मिलता है और आगे करके और काम करने की अंदर क्षमता पैदा होती है? हाँ, निश्चित तौर पर इस तरह के सम्मान से जहाँ एक आत्मबल मिलता है वहाँ और अधिक कार्य करने की एक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह के कार्य और पुरस्कृत किए जाने के कार्यक्रम होते रहने चाहिए और इससे निश्चित तौर पर जो है एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेंथ महसूस होती है और भविष्य में भी हम आशा करते हैं किसी प्रकार कार्यक्रम होते रहे। देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी पुलिस के लिए कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2019 का चुनाव 80 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 7 चरणों में निर्विघ्न संपन्न होना, बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न होना। और ये चुनाव जो था एक मैं कहूँगा महायज्ञ की तरह था, जहाँ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी आहुति दी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल दोनों पर यह साबित कर दिया कि भारत की डेमोक्रेसी में बहुत दम है। और जब पुलिस और प्रशासनिक अमला जमला ये तय कर लेता है कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी है तो वो नहीं होती है। और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 इस बात का पुख्ता प्रमाण है, जहाँ कोई घटना नहीं हुई। सर आपको सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है सर सम्मान पाके? इस तरह का सम्मान पाकर हम लोग का मनोबल बहुत ऊंचा होता है, यह प्रेरणा का एक स्रोत हो जाता है और आगे और बेहतर करने की जो एक की इच्छा होती है उसको जागृत करता है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी लागू हो चुका है सर, लगता कहीं ना कहीं से अब अपराधों पर नियंत्रण लगाने में पुलिस कामयाब हो पाएगी सर? देखिए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम एक नया आयाम है पुलिसिंग में और इसका असर आपको दिखेगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पूरे प्रदेश के आरक्षी से लेकर के वरिष्ठतम स्तर तक की पूरी पुलिस बल का सम्मान है, जिसमें सभी लोगों ने कानून व्यवस्था में और इलेक्शन में अपना एक बेहतरीन प्रबंधन किया है और उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग का और सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि माननीय हम लोगों को जिस स्तर से निर्वाचन आयोग ने जो कर्तव्य सौंपे थे उसको हम लोग पूरी तरह से निर्वहन करने में सफल रहे। कहीं ना कहीं से ऐसे पुरस्कारों से पुलिसिंग और मजबूत होती है, अधिकारियों को एक बल मिलता है। निश्चित तौर पर हम लोगों को इसके हौसला अफजाई होती है और पूरी टीम एक तरह से कार्य करती है। थैंक यू। शुक्रिया टीवी से बात करने के लिए। हमारे साथ आईजी प्रवीण कुमार मौजूद थे, जिनको आज सम्मान मिला है। साफ तौर पर वो काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे और उनका कहना यह है कि ऐसे जो पुरस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं से पुलिस अधिकारियों को एक बल दिलाते हैं। संदीप खेर कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 टीवी लखनऊ। डीजीपी ओपी सिंह को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। वहीं डीजी जेल आनंद कुमार को भी सम्मानित किया गया उत्कृष्ट कार्य के लिए यहां पर। वहीं चुनाव में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रवीण कुमार आईजी मेरठ को भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही विजय भूषण तत्कालीन डीआईजी कानून व्यवस्था, कुंतल किशोर एसपी कानून व्यवस्था, उनको भी चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य जो किया गया उसके लिए सम्मानित। वहीं आशीष तिवारी तत्कालीन एसपी जौनपुर जो मौजूदा समय एसएसपी अयोध्या हैं, नितिन तिवारी तत्कालीन एसएसपी मेरठ, उनको भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही चिरंजीव नाथ त्रिपाठी एसएसपी,